मेनली पेरेंट्स को ये गाइड किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन किस ड्यू डेट पे लगवाना या किस एज पे लगवाना जो है वो बेस्ट है बेबी के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ वैक्सीन जो हैं वो अपने बच्चों को लगवा लेते हैं और कुछ जो है वो स्किप हो जाती हैं बिकॉज के बिजी लाइफ स्केड्यूल में जो है वो उनको उसमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सी वैक्सीन की अब ड्यू डेट आ गई है, वो उसको मिस कर देते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हमने ऐसे क्या कहते हैं कैलेंडर्स शामिल किए हैं जो कि जब ड्यू डेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे कि आपके बच्चे की ये वैक्सीनेशन ड्यू है, तो काइंडली आप इस वैक्सीन को टाइमली लगवा लें। वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज मच बेटर देन द क्योर। दैट्स वाई जो है वो वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जाता है वैक्सीन्स को, ताकि डिजीज होने से पहले ही उसकी प्रिवेंशन कर ली जाए, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारी डिजीज इतनी डेडली हैं कि अगर वो वंस हो जाए जस्ट लाइक पोलियो तो वो फिर क्योरेबल नहीं होती। दैट्स वाई प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो इस वजह से इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हमने ये कहते हैं इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन की ऐप बनाई है, ताकि लोग उसमें अपने आप को रजिस्टर करें और टाइमली अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगवाएं। डॉक्टर, मेरा आपसे जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की और मैंने मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि बच्चे को वैक्सीनेशन जो है वो किन टाइम लैप्स में, मतलब अक्सर पेरेंट्स को यही नहीं पता कि हमें वैक्सीनेशन एक्चुअली करवानी कब है। बेसिकली हर वैक्सीन के एक लाइफ एक टाइम है जो उस टाइम पे लगनी चाहिए। कुछ वैक्सीन हैं जो बर्थ पे लगनी है और फिर विद इन 9 मंथ्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो हैं वो बच्चों को लगवाई जाती हैं। इसके अलावा फर्स्ट 5 ईयर्स में उन वैक्सीन के बूस्टर्स भी लगते हैं, ठीक। तो इस वजह से होल लाइफ में वैक्सीन लगती हैं, लेकिन हर वैक्सीन का एक स्पेसिफिक टाइम है और वो उस टाइम पे ही लग रही है, ठीक है। अगर आप वो डिले कर देते हैं तो आपका बच्चा जो है वो प्रोन होता है डिफरेंट किस्म की डिजीज के ऊपर, तो आप जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए जो है वो वैक्सीन को लगवाएं। यही हमारा जो है वो एम है कि हम लोगों को गाइड करें कि वो टाइमली बच्चों को वैक्सीन लगवाएं और उसमें जो है वो अनड्यू डिले ना करें। बिल्कुल। अच्छा, हमारी खवातीन में ना एक मिथ है कि हम ये वैक्सीनेशन करवाएंगे और हमारा जो बेबी है वो बीमार पड़ जाएगा या वो जो बीमारी है उसमें इन्हेंस कर देगी, जैसे पोलियो हो गया या कोई भी। तो ये एक मिथ जो है आप प्लीज क्लैरिफाई करें कि इसमें क्या सच्चाई है। अच्छा, वैक्सीन से कभी भी कोई डिजीज ऐसा सच नहीं होती। समटाइम्स कुछ स्ट्रेन्स ऐसी आई इनिशियल पोलियो वैक्सीन की जिससे पोलियो हुआ, बट वो बहुत रेयर चांस है। अदरवाइज वैक्सीन हमेशा जो हैं वो यूजफुल होती हैं, उनसे कभी भी डिजीज नहीं होती। और वैक्सीन जो हैं वो लगवाने से कुछ वैक्सीन की वजह से फीवर हो सकता है या फिट्स हो सकते हैं, बट वो टेम्परेरी होते हैं, वो लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं करते बच्चे को। तो अगर फॉर द टाइम बिंग कुछ वैक्सीन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट उनका जो कहते हैं जो उनके फ्रूटफुलनेस है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वैक्सीन इस बात पे डिले नहीं करनी चाहिए या वैक्सीन को जो है वो इस बात पे नहीं छोड़ना चाहिए कि इससे फीवर हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये टाइमली फॉर द टाइम बीइंग होती है प्रॉब्लम। 1 to 2 डेज में, मैक्सिमम 3 डेज में ये चीज़ सेटल आउट हो जाती है। इस वजह से इस बात के ऊपर कभी भी वैक्सीन को जो है वो अनड्यू डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारे लाइव सेशन का मकसद डॉक्टर यही है कि लोग हमसे सवाल पूछें, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं। तो हिबा ने पूछा है कि पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो हर मंथ करवाना जरूरी है या नहीं? देखें, वैक्सीन इज जस्ट लाइक पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। जितनी ज्यादा आप वैक्सीन लगवाएंगे उतनी ज्यादा बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी। जितनी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, तो जब नॉर्मल वायरस अगर बच्चे को अटैक करेगा तो वो फौरन जो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हुई होगी वो उस वायरस को किल कर देगा। तो आप ये जो बार बार एक पोलियो की मुहिम आती है, तो आप हर मुहिम में जरूर पोलियो वैक्सीन लगवाएं। जितने ज्यादा बच्चे को एंटीजेंस मिलेंगे उसकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा बूस्ट करेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना लीस्ट चांसेस है कि उसको पोलियो होगा बच्चे को। ठीक है। अच्छा, मेरा जो सवाल है आपसे भी ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स, मतलब लोगों के दिमाग में अभी ये भी उम्मीद चल रहा है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं।
अच्छा, एज सच पोलियो वैक्सीन का या किसी भी वैक्सीन का मैंने बताया ना, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। पहले जो पोलियो की कुछ स्ट्रेन आती थी, 3 स्ट्रेन है वैक्सीन में भी ना, जो स्ट्रेन जो उसकी 2 स्ट्रेन आती थी स्ट्रेन 2, वो प्रॉब्लम करती थी। लेकिन अब जो हमारे पास पोलियो की वैक्सीन आ रही है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, उनमें स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 3 है। इस वजह से जो है वो अब पोलियो जो है वो किसी भी बच्चे को पोलियो वैक्सीन से नहीं हो सकता। हाँ, डेकेड्स बैक जो है वो ये प्रॉब्लम थी, बट अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हाँ, 1 to 2 डेज के लिए किसी को वैक्सीन से फीवर हो जाना या कोई प्रॉब्लम हो जाना, वो टेम्परेरी होता है, वो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आया कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन और जो प्राइवेट हैं उनमें मतलब जो उसके बजट का, उसके एक्सपेंडिचर्स का जो फर्क है, उसकी वजह से लोगों को बड़ा सफर करना पड़ रहा है। अच्छा, देखें जो फर्स्ट 9 मंथ्स की वैक्सीन है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है। प्राइवेट भी अवेलेबल हैं वो वैक्सीन, बट ये है कि वो गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देती है। उसके बाद भी वैक्सीन जो हैं वो चूंकि गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई वो आप प्राइवेट लगवाना मजबूरी है। लेकिन यह है कि वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और ज़रूरी हैं, बिकॉज के जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन है वो अब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं अवेलेबल, वो प्राइवेट ही आपको लगवानी पड़ेगी, या फ्लू की वैक्सीन है तो वो। लेकिन ये है कि अगर आपके बच्चे को लगी हुई है तो डेफिनेटली फ्लू से या चिकन पॉक्स से बेहतर है कि आप होने से बेहतर है कि आप वो वैक्सीन लगवा लें, ताकि बच्चे को इन चीज़ों से बचाया जा सके। तो थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल हैं आप वो ज़रूर लगवाएं, और उसके बाद जो प्राइवेट हैं वो थोड़ी सी हैं लेकिन वो भी डेफिनेटली ज़रूर लगवाएं। अच्छा, ये मारुख ने इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है तो मैं इसको ऐड ऑन कर लूंगी। वो कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, कोई डिफरेंस है? नो नो डिफरेंस। देखें, गवर्नमेंट वैक्सीन लेती है कुछ कंपनी से, ठीक है, उनको पे आउट करती है। बाकी जो कंपनीज जो गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं करती वो प्राइवेट मार्केट में सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो वो वैक्सीन कुछ मार्केट में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, न्यूमोकोकल वैक्सीन प्राइवेट में भी अवेलेबल है। कुछ कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट को सेल आउट नहीं करती, वो मार्केट में सेल आउट करती हैं, तो आप प्राइवेट वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन ये है कि एफिकेसी वाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीन जो हैं वो इक्वल हैं, एफिकेसी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों तरह की वैक्सीन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं, और बस एक तरह कुछ कंपनीज गवर्नमेंट को सेल आउट करती हैं, कुछ डायरेक्ट मार्केट में बेचती हैं। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर, आप इसके बारे में, इसके जो असर है इस वैक्सीन का, ये कितनी देर तक रहता है? देखें, अगर आपने सारी डोजेस कंप्लीट की हैं वैक्सीन की, तो इसका असर जो है वो लाइफ लॉन्ग है। जैसे एक बच्चे को अगर पोलियो वैक्सीन फर्स्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट डोजेस मिली हैं तो वो लाइफ लॉन्ग उसको पोलियो नहीं होगा। चिकन पॉक्स की अगर वैक्सीन मिली हैं तो अगर उसको चिकन पॉक्स होगा भी तो उसको कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मोस्ट लाइकली अगर आपने कोई डिफ्थेरिया या पर्टसिस की वैक्सीन लगवाई है, या ठीक है, या टेटनस की, तो वो ये है कि वो लाइफ लॉन्ग उसको प्रोटेक्ट करेगी। इम्यूनिटी हमेशा लाइफ लॉन्ग होती है। इन बिटवीन अगर लाइफ में कभी उसको वो डिजीज होगी भी तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, वो डिजीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीनेट नहीं हैं, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उस ऑर्गेनिज्म से जो आपको डिजीज होगी, जैसे डिफ्थेरिया अगर आपको हो जाता है या टेटनस, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे अनम फरूक का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। वो कह रही है कि प्राइवेट वैक्सीन जरूर जरूर बता देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MM2 एंड चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन, इसके बारे में जानना चाह रही हैं गुलनाज। अच्छा, MMR जो है वो अभी हमारे यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ फार्मेसीज लाहौर में हैं जहाँ से प्राइवेट MMR मिल रही है, बट ये है कि वो अभी इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान में कोई कंपनी डायरेक्ट जो है वो सप्लाई नहीं कर रही। चिकन पॉक्स अलबत्ता अवेलेबल है, बट ये दोनों वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में MMR और चिकन पॉक्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेटली मिल रही है। चिकन पॉक्स इजीली अवेलेबल है, MMR में थोड़े से इश्यूज हैं, बट यह है कि जो चेन फार्मेसीज हैं, बड़ी फार्मेसीज हैं, वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अरुसा का सवाल है कि माय सन हैड MMR2 डोजेस बट नाउ द लास्ट वन लेफ्ट बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान सिंस 2 ईयर, तो व्हाट टू डू? हाँ, मैंने बताया कि जो है वो इजी नहीं है अवेलेबिलिटी उसकी, लेकिन यह है कि कुछ फार्मेसीज हैं
जहाँ से अवेलेबल है एमएमआर, तो अगर आप सर्च आउट करेंगे तो जो चेन फार्मेसी था वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, दुबई में पूछ रहे हैं कि दुबई में हम ये कैसे, दुबई में क्या, दुबई में वैक्सीनेशन हम कैसे, देखिए स्केड्यूल तो यूनिवर्सल है, चाहे पाकिस्तान में कोई बेबी है, चाहे यूके में है, चाहे अमेरिका में है, जो मेन स्केड्यूल है वो बेसिक है। फॉर एग्जांपल अगर एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन है वो 9 मंथ से पहले आपने नहीं लगवानी, उसकी मिनिमम एज ही 9 मंथ या 1 ईयर के ऑनवर्ड है। या मीजल्स वैक्सीन है वो 9 मंथ से पहले लगवाने की जरूरत नहीं है, 9 मंथ से ऑनवर्ड उसका स्केड्यूल है, अनटिल अनलेस कोई एपिडेमिक ना आ जाए। ठीक, तो इस वजह से जो स्केड्यूल है बच्चों को वैक्सीन लगवाने का वो यूनिवर्सल है, वो कंट्री वाइज नहीं है। हम भी WHO का स्केड्यूल फॉलो करते हैं, यूके वाले भी WHO का स्केड्यूल फॉलो करते हैं, इवन दुबई वाले भी। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और हमारी जो ऐप है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसके थ्रू आप अपना अपने बेबी का डेटा पुट करें और आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे आपके जो कंसर्न्स हैं आपको वो पता लग जाएंगे। और भी बहुत से ऐसे पेडियाट्रिशियन हैं, बहुत बेस्ट पेडियाट्रिशियन, जो आप मरहम के थ्रू उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि आप इस ऐप के थ्रू फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये आपके लिए एक पाथवे बन गया है और आप जो हैं वो इसके थ्रू अपने बच्चों को टाइमली, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम आप अपना काम करवा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, डॉक्टर मुझे कहा गया कि मेरे जी बेटे को मैंने पता नहीं कोई इशू हो गया और जिसकी वजह से वो स्किप हो गई है उसकी जो वैक्सीनेशन है, तो अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि उनको जिनकी स्किप हो गई है वो एक्चुअली क्या। एक्चुअली देखें, वैक्सीन स्किप होना प्रॉब्लम नहीं है, 1 वीक का स्किप डिले आ गया, 2 वीक का डिले आ गया, इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन यह है कि अगर आप बिल्कुल उसको फॉरगो कर देंगे या आप उसको लगवाएंगे नहीं, तो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। डिले आ जाना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को जब वैक्सीन का उसका कोई भी टाइम आया, ड्यू हुआ, बट वो बच्चा बीमार है, उसको कोई फीवर हुआ हुआ या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ, आप 1 वीक डिले कर लें, 2 वीक्स डिले कर लें, बट आफ्टर 2 वीक्स आप उस वैक्सीन को डेफिनेटली लगवाएं, और नेक्स्ट वैक्सीन की जो डोज होगी वो ऑटोमेटिकली स्केड्यूल्ड हो जाएगी उस वैक्सीन की डोज के मुताबिक। तो लेकिन आपने डिले करना प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल फॉगो कर देंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो वो आपने नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे कंसर्न ये भी हैं कि बच्चे जब वैक्सीनेशन के बाद बीमार पड़े हैं, उनका कोई डाइट प्लान, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हैं, एहतियात वगैरह? नहीं, कोई एहतियात नहीं है। सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वैक्सीन से किसी बच्चे को फीवर हो रहा है तो जस्ट आपने पैरासिटामोल देनी है, नथिंग एल्स, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि बच्चे दूध नहीं पी रहे उसके बाद। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो वैक्सीन लगवाने के बाद इरिटेबल हो रहा है, फौरी तौर पर दूध नहीं पी रहा, नो प्रॉब्लम। थोड़ी क्या कहते हैं, अगर उसको आपको लग रहा है कि उसको थोड़े से इंजेक्शन साइड पर पेन हो रही है या कोई फीवर हो रहा है, तो आप जस्ट उसको पैरासिटामोल दें, आप उसको जो है फ्यू आवर्स के बाद ट्राई करें, वो दूध पी लेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इंजेक्शन साइट के ऊपर पेन होने की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम, या वैक्सीन की वजह से जो फीवर इटसेल्फ है वो कई दफ़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये भी मैंने बताया टेम्परेरी होता है और क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है। ठीक है, और ये भी कंसर्न है कि इसकी वजह से वेट लॉस है? नो, वैक्सीन की वजह से वेट लॉस नहीं होता। हाँ, बेबी का ऑलरेडी वेट लॉस हो या उसके बाद वो कहते हैं किसी वजह से उसको प्रॉब्लम है, वो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है जिस वजह से कोई वेट लॉस हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे पास मिलते जुलते और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और वो यही है कि मतलब MM2 के बारे में आपने बताया, फिर आपने चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन के बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, उसमें अब ये है कि फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप ऐप को ज्वाइन करें, उस पर रजिस्टर हों, फिर भी कोई क्वेरीज हैं आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप उस पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये है कि ये फॉर्म तो जो है वो आपको हेल्प आउट करने के लिए है, तो किसी भी किस्म की फर्दर क्वेरीज हैं तो आप जो है वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी जो है ना वो हम इस मैसेज को फैला सकें कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और
और हमारा जो बेसिक कंसर्न है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का, वो यही है कि जो हमारे हमारे बच्चे जो हैं हमारी बेस हैं, अगर वही सेहतमंद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करने वाला। तो आप अपने बच्चों की टाइमली वैक्सीनेशन पे गौर करें और इस ऐप से फ़ायदा उठाएं। ये सारे सवालों